Hello students, I'm Divya Kashyap from Success CD's Education. I'm your science expert and today we are gonna take up a topic from class 9th science. So let's see what interesting chapter we are going to start today. The chapter we are going to do is chapter 11, that is work and energy. We will do this chapter in two parts. In part 1, we'll be covering work and in part 2, we'll be covering energy. And along with that, we'll be doing the power also. So let's start with work first. आप सबको पता है वर्क की अगर हम बेसिक बात करें कि आप डेली रूटीन में बहुत से काम करते हैं, सारे काम क्या होते हैं, काम वर्क ही होता है ना. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वर्क होते हैं, वर्क करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, कौन सा काम है जब आप करते हो तो वो एक्चुअल में वर्क डन होता है या वर्क डन नहीं होता. तो बहुत सी चीज़ें हम इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ेंगे जो आपको फैमिलियर बताएगी दैट व्हाट एक्चुअली द वर्क इज. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन टू वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क, एक्सप्रेशंस टू कैलकुलेट वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क, types of work and numerical and some important questions. So let's start. देखिए आप सबको पता है जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग डेली रूटीन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के अंदर एंगेज रहते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, अ सेल्समैन इज सेलिंग अ गुड्स, अपनी शॉप की चीजें बेच रही है एक गर्ल, राइट. तो ये भी एक वर्क हो रहा है. अ मैन इज टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप, अगेन द वर्क इज बींग डन. Here, you can see that this horse is pulling a cart. Again, a work is done by horse. So, somebody is working in office on computer, like animals are doing work by pulling a cart. As you can see in the figure, this is a maid and she is cleaning the floor. So, everything that we see in these pictures, they all are actually doing work. They are engaged in some or other type of work. Likewise, we know that coolie carries a load. Again, it is a work. Again, we have discussed this thing that the salesman is working in a shop. Maid are working at home or at offices. So, ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? Work. But ये इन सब के वर्क में क्या डिफरेंस है कि नेचर ऑफ वर्क सबका अलग है. कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहा है, कोई सिटिंग वर्क कर रहा है, कोई पुशिंग वाला वर्क कर रहा है, कोई बहुत एफर्ट लगा रहा है. तो जो वर्क है उसका जो नेचर है ये सब उसमें डिफरेंट है. ये हमने कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए हैं. आपको पता है बहुत से काम आप डेली रूटीन में करते हो. अगर सपोज आप किचन में ही चले जाते हो तो किचन के अंदर आप कोई चीज उठा रहे हो, फ्लोर को क्लीन कर रहे हो, गैस पे कुछ कुक करना रख रहे हो, आप अगर कुछ कुक हो रहा है तो उसको स्टिर कर रहे हो, तो ये सब वर्क ही तो होते हैं. लाइक वाइज इफ यू आर इन योर रूम, यू आर क्लीनिंग the floor, you are cleaning your bed. So whatever you are doing, these are all work. But actually में work क्या होता है, क्या conditions हैं जिनको हम actually work की category में डालते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी. See, to carry out any type of work, अब हमारा work का nature कुछ भी हो सकता है, हम समझ चुके हैं. तो किसी भी तरह का work करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? Energy. एनर्जी के बिना तो नहीं कर सकते हो ना आप. और वो एनर्जी हमें हमारे अंदर कहाँ से आती है? फूड, जो हम खाते हैं, ठीक है. और मशीन्स भी आपको पता है वर्क करती है, क्योंकि हम अपने काम को इजी करने के लिए हम मशीन्स का यूज कर लेते हैं. सपोज अगर आपको कोई चीज़ ब्लेंड करनी है तो आप हैंड से उसको ब्लेंड ना करके आप उसको मिक्सर में कर लेते हैं. तो मिक्सर में क्या है? मिक्सर मशीन ही तो है. तो वहां पे जो ब्लेंडिंग हो रही है वो मशीन की वजह से हो रही है. सिमिलरली ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज है, आपको पता है इंडस्ट्रीज में सब मशीनरी ही यूज होती है. तो मशीन्स भी काम करती है और काम करने के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए. और वहां पे एनर्जी कौन सा सप्लाई कर रहा है? फ्यूल. मतलब मशीन्स का जो एनर्जी सप्लायर, मतलब जो फूड है मशीन्स के लिए, वो क्या है? फ्यूल. तो इसका मतलब जब भी काम होगा, व्हेनेवर द वर्क इज डन, अ फोर्स इज अप्लाइड दैट कॉज वर्क टू हैपन. अब देखिए दो चीज हमने पढ़ी,
वर्क करने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है. अब सपोज आपको पता है, अगर आप फास्ट रखते हो, आप उतने एनर्जेटिक नहीं होते हो, आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, और अगर आप खाना खाओ ही ना बहुत दिन तक, तो आप क्या काम कर पाओगे? नहीं, आप बीमार हो जाओगे, आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे. डे टू डे आपका जो काम करने की एबिलिटी है वो कम होती जाएगी. तो मतलब फूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी देता है. एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा. दूसरी बात, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है. फोर्स लगेगा तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा, राइट? तो इसका मतलब जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम वर्क कर पाए, और जो फ्यूल है वो मशीन को एनर्जी देता है जो हम काम कर पाए. दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, वर्क तभी होगा जब फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, हम देखते हैं और आगे वर्क के लिए क्या ज़रूरी है. देखिए, जब तक वर्क नहीं कहेंगे हम हुआ है, मतलब ये आप कह लो कि हम तभी उसी कंडीशन में कहेंगे कि वर्क हुआ है जब फोर्स लगेगा और बॉडी के अंदर मोशन आएगा. समझे आप? मतलब वर्क होने के लिए फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है, फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसी बॉडी के अंदर मोशन भी प्रोड्यूस होना चाहिए. मोशन को हम अगर थोड़ा डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं. तो जनरली हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड मोशन को समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो वर्क इज डन जब फोर्स अप्लाई होगा और बॉडी के अंदर मोशन आएगा इन इट्स ओन डायरेक्शन. मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रही है. अब जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये हॉर्स है, ठीक है? हॉर्स यहाँ पे फोर्स लगा रहा है. अगर हॉर्स फोर्स नहीं लगाएगा तो ये कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा. कार्ट पे आप देख रहे हो मैन इज सिटिंग, तो ही विल नॉट बी एबल टू मूव द कार्ट, और अ मैन विल ऑल्सो नॉट मूव बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द कार्ट, जब तक हॉर्स फोर्स नहीं लगाएगा. अब हॉर्स अगर फोर्स लगाएगा और कार्ट मूव नहीं कर पाए, मतलब हॉर्स का जो फोर्स है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो कार्ट को मूव कर पाए, तो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी कंडीशन के अंदर नहीं होगी, कार्ट मूव नहीं करेगा. मतलब जो फोर्स अप्लाई हो वो इनफ होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी पक्का कॉज होनी चाहिए, तभी वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो, तो वॉल को जब आप पुश करते हो तो आप फोर्स तो लगा रहे हो पर वॉल के अंदर मोशन तो कोई नहीं आ रहा. इसलिए चाहे आप वॉल को पुश कर रहे हो, आप बहुत जोर लगा रहे हो, पर क्योंकि मोशन नहीं है तो उस केस में जो वर्क डन है वो नहीं होगा. वर्क इज नॉट सेट टू बी डन. वर्क होने के लिए फोर्स लगना और डिस्प्लेसमेंट कॉज होना बहुत बहुत जरूरी है. तो जितना हमने पढ़ा उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फोर्स लगाना जरूरी है, फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी के अंदर कॉज पक्का होनी चाहिए. सो फॉर द वर्क टू हैपन फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, राइट? वी कैन से दैट कि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा. मतलब वर्क और फोर्स दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा. दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट. बॉडी के अंदर वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट कॉज होना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है. तो हम कह सकते हैं जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क डन, या जितना वर्क उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट. तो पहली कंडीशन आ गई कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरी कंडीशन आ गई डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दोनों को आपने क्लब किया तो हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमें हटाना पड़ेगा, और जब हम इस साइन को हटाते हैं हम कांस्टेंट का यूज करते हैं. हो सकता है कांस्टेंट का किसी कंडीशन में नाम हो, कोई सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, सर्टेन फिक्स्ड यूनिट्स हो, और हो सकता है कि इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं हो और इस कांस्टेंट का नाम सिर्फ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही हो. तो इस केस में जो इस कांस्टेंट को हम, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट लगाकर, वो के से रिप्लेस करेंगे, विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 एंड नो यूनिट्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू एफ इंटू एस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के इज 1. सो वेदर यू राइट और नॉट डजंट मैटर, यू कैन सिंपली राइट इट एज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस ऑल्सो.
तो मैथमेटिकली आई थिंक आपको समझ आ गया कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दोनों को क्लब कर दिया तो हमारे पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू एफ इनटू एस. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया के, विच इज जस्ट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद वैल्यू वन एंड नो यूनिट्स. एंड सो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया W is equal to K into F into S, or simply you can write W is equal to F into S. So we can also say that work is a product of force and displacement caused by force in its own direction. तो हम कह सकते हैं जो work है वो product है force और displacement का, जो कि force की वजह से displacement हो रही है और किस direction में, जिस direction में force apply हुआ है. And moreover, work is a scalar quantity, क्योंकि ये force और displacement पे act करती है, तो इसलिए जो work है वो scalar quantity है, वो सिर्फ magnitude देती है, हमें direction specify नहीं करती. अब देखिए, normally work का expression तो आपके पास हो गया F into S, लेकिन ये जो work का expression है, under certain conditions it changes. Suppose अगर आप कोई चीज ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या नीचे की तरफ गेर रहे हैं, मतलब ऊपर और नीचे जहां पे involve हो रहा है, वहां पे इस work के expression को हम F into S को replace कर देते हैं. देखिए, F आपको पता है M into A लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था second chapter में force is equal to mass into acceleration. तो हम ये, हमने यहाँ पे force की value put कर दी, F is equal to M into A. और S को यहाँ पे जब कोई चीज ऊपर या नीचे होती है तो उसको हम height से replace कर सकते हैं, distance को, displacement या distance आप कह सकते हो, उसको हम H से replace कर सकते हैं. अब कोई चीज ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है तो इस M A H में आप acceleration को acceleration due to gravity से भी replace कर सकते हैं. तो आपके पास expression बन गया W is equal to M G H. अब देखिए, जैसे ये बॉल है, ये ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो यहां पे वर्क डन आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, एम जी एच. सिमिलरली आप देखिए, दिस मैन इज विड्रॉइंग अ वॉटर फ्रॉम द वेल. अगेन यहां पे अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम एम जी एच एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हाइट आ गई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यूज हुआ. तो हमारे पास जब भी कोई चीज ऊपर या नीचे, मतलब ग्रेविटी को जब कंसिडर करते हैं, तो वर्क को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जहां पे m क्या है, मास, g क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपको पता है अर्थ पे कितनी है, 9.8, रफली टेकन एज 10, हम ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं. और h यहां पे क्या है, h इज द हाइट टू विच द सब्सटेंस इज रेज्ड, और फ्रॉम विच, फ्रॉम वेयर द सब्सटेंस और एनी बॉडी इज कमिंग डाउन, इट इज एक्चुअली द हाइट. तो आप समझ गए, जहां पे भी ग्रेविटी का यूज होगा वहां पे आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, एफ इंटू एस की जगह हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया एम जी एच. सिमिलरली अगर कोई, मतलब आप कह लो कि वर्क डन हो रहा हो जहां पे, जो जैसे अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, फिर मैं ये पढ़ती हूँ आपके लिए. अब आप देखिए, यहां ये बच्चा इस टॉय को स्ट्रिंग से खींच रहा है, तो ये लग रहा है फोर्स और यहां हो रही है डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ या ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है. यहां पे इस एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज थीटा, डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. तो इस केस में जो वर्क डन होगा वहां पे हमें इस एंगल को भी कंसिडर करना पड़ेगा, एंड इट बिकम्स एफ इन टू एस. तो आपने पढ़ा ही है, एंगल को हम कॉस थीटा की टर्म में लेंगे, तो इट बिकम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. और ये कॉस थीटा बिल्कुल वही है जो आप टेंथ में पढ़ते हैं या आप अपने मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन. अब आप सोचेंगे साइन क्यों नहीं लिया, टैन क्यों नहीं लिया, तो ये सेट वैल्यू है, आपको कॉस को ही यूज करना है. ठीक है, तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकती है. तो सिमिलरली आप उन वैल्यूज का यूज कर लेंगे. आपको पता है कॉस जो 90 होता है वो 0 होता है, और कॉस थीटा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. तो इसलिए ये कॉस थीटा की वैल्यू आप एंगल्स के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे. तो अगर कभी एंगल बन रहा हो तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वर्क का वो क्या बन जाएगा, एफ एस कॉस थीटा. आपको कुछ कॉस में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस ऐसा कुछ नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट एंगल दिया होगा, डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, आपको पुट कर देना इसको, राइट.
और दूसरा एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हो, सिंपल एक्सप्रेशन एफ इंटू एस, और जब ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं हम तो हमारे पास एक्सप्रेशन है एम जी एच. तो ये तीन एक्सप्रेशन हैं जो वर्क के हम यूज करेंगे. अब हमारे पास अगर यूनिट देखें वर्क का, तो एसआई यूनिट जो वर्क का है दैट इज जूल. एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. अब देखिए, वन जूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वन जूल को, अगर वर्क को आप वन जूल लिखो, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप जो भी कह लो यहाँ पे, उसका मतलब आपको पता है मीटर. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी वन जूल, मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड. वर्क इज सेड टू बी वन जूल व्हेन फोर्स ऑफ वन न्यूटन, आपको पता है फोर्स एक्ट करता है, तो हम डेफिनेशन ऐसे बना लेते हैं, व्हेन फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी एंड मूव द बॉडी and move the body through one meter. So work is said to be one joule when force of one newton acts on the body and moves the body through distance or displacement one meter. तो ऐसे ही आप इसको डिफाइन करेंगे. वर्क इज सेड टू बी वन जूल व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर इन बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन. तब और साथ में जब भी आपको पूछा जाता है तो इस चीज को आप मेंशन जरूर करेंगे कि वी नो दैट W इज इक्वल टू F इनटू S. इफ वी स्पेसिफाई द यूनिट्स, देन वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इनटू वन मीटर. आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच लाइक विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय न्यूटन मीटर. तो अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो आप वर्क लिखिए. अगर आपको पूछा है कि न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, तो आप लिखिए इट इज इक्वल टू वन जूल, और सिंपली यू कैन राइट जूल. फिजिकल क्वांटिटी हो तो आप जूल का नाम, तो आप वर्क को यूज कीजिएगा. अगर सीधा पूछा न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, तो आप जूल या वन जूल का यूज कर सकते हैं. अब बिगर यूनिट्स भी हैं, जैसे गीगा जूल्स, मेगा जूल्स. गीगा जूल्स के अंदर 10^9 जूल्स होते हैं, और मेगा जूल्स के अंदर, मेगा का मतलब होता है 6, तो इट इज इक्वल टू 10^6 जूल. तो अगर आपको कुछ और यूनिट्स दिए होते हैं तो आप उनको जूल, मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्क. वी हैव पॉजिटिव वर्क, वी हैव नेगेटिव वर्क, एंड वी हैव जीरो वर्क. देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में हम इन वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं. सपोज देखिए, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में जो आप वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क. मतलब डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. सो व्हेन फोर्स अप्लाइड कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क. लाइक किकिंग ऑफ फुटबॉल, आप इसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, फुटबॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी. पुशिंग ऑफ डोर, डोर है, अगर डोर को आप ऐसे पुश कर रहे हो तो डोर इसी डायरेक्शन में जाएगा ना. सो इट इज पॉजिटिव वर्क. अब नेगेटिव वर्क क्या होता है कि सपोज फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है. बिल्कुल ठीक, आपको याद आया 8th क्लास में आपने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा था, है ना. तो देखिए फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन तब नोटिस में आता है जब दो बॉडीज आपस में ऐसे कॉन्टैक्ट में होती है ना. तो अगर मोशन यहां है तो जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो मोशन को अपोज करता है. तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट काइंड ऑफ वर्क इज नेगेटिव वर्क. मतलब व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, फोर्स अलग डायरेक्शन में. सो लाइक वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स. तो जब ये नेगेटिव वर्क होता है, तो क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है या डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इस केस में वर्क को हम नेगेटिव कहते हैं, मतलब हम नेगेटिव साइन को पुट करते हैं. सिमिलरली वी हैव अनदर टाइप ऑफ वर्क दैट इज जीरो वर्क. देखिए जीरो वर्क क्या होता है, अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है और वो एंगल कितना है 90 डिग्री, उस केस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. क्यों? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एंगल आ जाता है तो आप उसको कॉस थीटा लिख देते हैं. अब एंगल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 इज जीरो. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, सो वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो. सो वेन एवर द फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज जीरो. वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन दिस केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है. लाइक
कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. कुली अपने सिर पे सामान उठाकर प्लेटफॉर्म में इस तरह से जा रहा है. तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो आप यहाँ पे ये सब मैथमेटिकल इक्वेशन करके दिखा देंगे और बताएंगे कि जो वर्क डन है वो क्या है, जीरो. सिमिलरली सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, अगेन द फोर्स इज एक्टिंग एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर्क डन इज जीरो व्हेन अ पर्सन कैरिंग सूटकेस वर्टिकली इन हैंड्स वॉक इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब मूवमेंट इधर हो रहा है और जो फोर्स है वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है. सो देयर इज एन एंगल दैट इज 90 डिग्री. एज आई टोल्ड यू इट इज एफ एस कॉस थीटा. कॉस 90, कॉस 90 इज जीरो एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. सो दैट मीन्स द वर्क डन इज जीरो. सिमिलरली फॉर बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द वर्क डन इज जीरो. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क व्हेन मैन इज पुशिंग अ वॉल. See, when a man is pushing a wall, the work done is zero because the force is applied but the displacement is not caused. So, we know that there is a necessary condition for the work to occur. Force must be applied and displacement must be caused. But in this case, this factor is missing. That's why the magnitude of work is zero when you are pushing a wall. Another question, a force of 7 Newton acts on an object. आपके पास force है 7 Newton, ये एक body पे लग रहा है. The displacement is 8 meter in the direction of the force. That means it has to be taken in positive direction. Now, let us take that the force acts on object through the displacement. So, what is the work in this case? So, we have F into S. Sirf value put karenge aap isme. Units sahi hai. So, it comes out to be 56 joules because the SI unit of work is joule. A pair of block exert a force of 140 newton. एक आपके पास ब्लॉक है, 140 न्यूटन फोर्स लगा रही है. द फील्ड बींग प्लॉट इज 15 मीटर लॉन्ग. जो फील्ड है उसकी जो लेंथ है दैट इज 15 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द फील्ड को ही करना है. वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स 140, फील्ड का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. सो इट इज 15. आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. लेट्स मल्टीप्लाई 14 इनटू 15, 22, 7, 4 वन द 4, 1 0. इट कम्स आउट टू बी दिस 10. आपने ये नहीं लिखा था तो इसको यहाँ लिख देते. सो इट कम्स आउट टू बी 2100 joules. So this is the answer. Please list out whether the work is done or not done in the following cases. Suma is swimming in a pond. Obviously force bhi lag raha hai aur displacement bhi ho rahi hai. So obviously the work is done. A donkey carrying a load on his back. He is carrying a load but it is not mentioned that he is moving. So work done is zero. Windmill is lifting water from the well. अगेन फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. तो वर्क इज डन. अ ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बट नो मोशन इज कॉज. सो देयरफॉर द वर्क इज नॉट डन. एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. अगेन अ वर्क इज डन क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है यहाँ पे. फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड. अगेन द वर्क इज नॉट डन. अ सेल बोट मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. अगेन द फोर्स इज एक्टिंग एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉज. सो वर्क इज डन. Next question, an object is thrown at certain angle to the ground, it moves in a curved path and falls back to the ground. मतलब एक object को हम certain angle पे कर रहे हैं, curved path लेता है और वो ground पे वापस आ जाता है. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. Let's say this is in final and this is initial point, they both lie on the horizontal line. What is the work done by the force of gravity? It will be zero because the net vertical distance covered in the direction of force of gravity is zero. Thank you for watching this video. For more videos, you can subscribe to Success CDs.